उधर मुंह कर रहे हैं नहीं काटे यार। ये क्या यार, इतना गुस्से में क्यों है? ये इगुआना है। ये देखो कितने पास पास में, उसका शरीर देखो कितना भारी शरीर है। कर क्या रहा ये? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ इंदौर जू, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंदौर जू से रिलेटेड हर एक जानकारी देने वाला हूँ। इंदौर जू का टिकट प्राइस क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, कौन कौन से जानवर आप इंदौर जू के अंदर देख सकते हैं, वो सारी जानकारी इस वीडियो में कवर रहेगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वैज, इंदौर जू के लोकेशन के बारे में बात करें तो एवी रोड दूरदर्शन केंद्र नौलखा इंदौर मध्य प्रदेश का होगा। बात करें इंदौर जू तक पहुंचे कैसे, अगर आप खुद के व्हीकल से इंदौर जू तक जाना चाहते हैं तो गूगल मैप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करें पार्किंग की तो इंदौर जू में टू व्हीलर और फोर व्हीलर दोनों के लिए पार्किंग बिल्कुल फ्री रहेगा। अगर आप बस से इंदौर जू तक आना चाहते हैं तो बस स्टैंड से इंदौर जू तक की दूरी 3.5 किलोमीटर होगा, तो वहीं रेलवे स्टेशन से जू तक की दूरी 2 किलोमीटर होगा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से अगर आप जू तक बस से जाना चाहते हैं तो नौलखा की तरफ जाने वाले किसी भी बस में बैठ आप इजीली जू तक पहुंच पाएंगे। तो गाइस, रेलवे स्टेशन से बाहर जो बस में हम बैठे, टिकट 20 रुपए का रहेगा दो बंदे का, एक बंदे का 10 रुपए रहेगा। तो गाइस, टिकट प्राइस आप देख सकते हैं, भारतीयों के लिए 20 रुपये रहेगा और विदेशियों के लिए 100 रुपये रहेगा। और अगर आप कैमरा वगैरह ले जाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, तो उसका 50 रुपये टिकट रहेगा। DSLR और मूवी शूट के लिए 100 रुपये आपको अलग से पे करने पड़ेंगे। तो गाइस, ऑनलाइन टिकट बुक करने का प्रोसेस यहाँ पर बताया हुआ है, ये आप आराम से वीडियो रोक कर देख सकते हैं। ये जू मंडे को क्लोज रहता है। 2 साल से ऊपर के बच्चों का टिकट लगेगा, 2 साल से नीचे के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। टाइमिंग की बात करें तो इंदौर जू सुबह 9 बजे खुलता है और शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होगा, ये आप देख सकते हैं। तो गाइस, ये टिकट हमने ले लिया है, एक बंदे का 20 रुपये का टिकट है। जू के साथ जस्ट सामने आप ये फाउंटेन शो भी देख पाएंगे, यहाँ पे आप फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। डॉल्फिन बनाया हुआ है, 4 डॉल्फिन आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप बाहर एक व्हाइट टाइगर का स्टैचू भी देख पाएंगे, आप चाहे तो यहाँ पे भी आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। एंट्रेंस गेट होगा, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ऊपर कितने सारे स्टैचू बनाए हुए हैं। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय, और ये है एंट्रेंस। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और आप लोगों को पूरा जू दिखाते हैं। अगर जू के अंदर आप बैग लेकर आते हैं, इसका टिकट पर बैग का 5 रुपये रहेगा। तो गाइस, ये एंट्रेंस है, एंट्रेंस के जस्ट सामने ही आप ये बैगेज काउंटर देख सकते हैं। आप अंदर आने के बाद एक ईगल देख पाएंगे, इस तरह का एक आर्टिफिशियल ईगल बनाया हुआ है। गाइस, अगर जू के अंदर आप प्लास्टिक वाटर बॉटल लेके जाते हैं तो उसमें एक इस तरह का स्टिकर आपको गेट से चिपका दिया जाएगा, और उसको आपको वापस लेकर आना पड़ेगा। अगर वापस लेकर नहीं आते हैं तो उसमें आपको फाइन देना पड़ेगा। गाइस, यहाँ पे बैटरी चलित कार भी होगा, टिकट 35 रुपये का रहेगा, और 2 बस 6 माह के ऊपर के सभी बच्चों का पूरा फुल टिकट लगेगा। अब अंदर क्या क्या देखेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गाइस, इस गाड़ी को अगर आप बुक करके ले जाना चाहते हैं तो इसका 250 रुपये का टिकट रहेगा। यहाँ से आप फोटो वगैरह खिंचवा सकते हैं, और ये छोटे फोटो के 25 रहेंगे और बड़े फोटो के 100 रुपीज़ चार्ज रहेंगे। पहला जो जानवर हम देख रहे हैं वो लकड़बग्घा है, ये आप देख सकते हैं सोया हुआ है। तो गाइस, यहाँ पे पक्षी विहार भी होगा, और इसका अलग से टिकट आपको 30 रुपये देकर अंदर जाना है। ये पक्षी विहार के अंदर जाने के लिए टिकट काउंटर होगा, 2 साल से बड़े बच्चों का भी टिकट लगेगा 30 रुपये। पक्षी विहार का हमने टिकट ले लिया है, एक टिकट का 30 रुपये, 2 टिकट का ये 60 रुपये का टिकट रहेगा। ये पक्षी विहार के अंदर हम जा रहे हैं अंदर। ओ भाई साहब, इतने सारे चैन। ये आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे पक्षी आए हैं। उसके अंदर बैठा हुआ है, हाँ बैठा हुआ, दिखाई नहीं पड़ रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखो कितना अच्छा बनाया हुआ है पक्षी विहार। बहुत सारे जू मैंने देखे हैं, बट ये बहुत ज्यादा जबरदस्त जू लगा मुझे। पक्षी विहार बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वाओ, तोता है। ये नीचे एक छोटे छोटे अलग अलग, ये भी तोता है। हाँ, काफी पास आ गए।
देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते कितने सारे तोते हैं, व्हाइट कलर के, अलग ब्राउन कलर के। कोकाटू बोलते हैं, कोकाटू कोकाटू। ये पूरा एरिया बंद है और पूरा एक जंगल ऐसा लग रहा है, जंगल के अंदर आ गए। ये देखो पूरा जंगल बनाया हुआ है और अंदर बीच बीच में आप अलग अलग तरीके के पक्षियाँ देख पाएंगे। ये देखो कितने सारे तोते हैं, यहाँ से बारीकी से देखने पड़ेंगे, कई पंछी देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। बहुत सारे तोते ऊपर भी आप देख सकते हैं। ये देखो कितने सारे हैं, सिल्वर हेडेड फिजेंट पास में जाओ, उसके दूर हो जाता है पंछी ज़्यादा पास होने पे। यहाँ पे नहीं हो रहा दूर, बाजरा खा रहा है ना, सिल्वर हेडेड फिजेंट है ये, काफ़ी पास आ जाते हैं यहाँ खा रहा है। ये देखो छोटे छोटे भी, ये देखो कितने सारे, काफ़ी कुछ खा रहे हैं। पीछे बीवर है, बीवर वो जो गोल गोल वाला घोसला बनाती है, वो बीवर भी है यहाँ पर। बड़े से लेकर छोटे हर टाइप के पंछी दिख जाएंगे आपको यहाँ पर। ये डव है, डव, ये डव बैठा, डव कॉमन डव, ये घर के पास ही देख सकते हैं ज़्यादा। यहाँ पे खरगोश भी है, ये आप देख सकते हैं नीचे खरगोश। और ये वाला जो बर्ड देख रहे हैं इसको कहते हैं गोल्डन फेजेंट, ये गोल्डन फेजेंट है। अरे सांप है क्या, असली सांप है क्या, असली सांप है, दिखाइए 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 सांप है ये। हाँ मैं क्यों पकड़ू भाई, कार्ड वार्ड लेगा, ईयरफोन मॉन मैंने में से पकड़ के देखो, एक पकड़ो फिर से लेना, ये देखिए ये सीधे हाथ में लेना है ना, उधर मुंह करना है। अरे तो नहीं काटे यार, नहीं काटेगा नहीं काटेगा। ऐसे लोग फोटो क्लिक करवा सकते हैं सांप के साथ, एक फोटो खींचो। ये हेडफोन भी ले जाएगा, देखो इनके साथ भी आप फोटोग्राफी करा सकते हैं। ये देखो सरदार जी, इसको निकाल लो, नहीं तो निकाल ले जाएगा, नहीं ले जाएंगे। क्या बोलते हैं इसको, इबोना, इबोना मतलब इसका वो कैमेलियन टाइप का, कैमेलियन जैसा। ये देखो कैसे बैठा हुआ है, ये देखो कैसे बैठा हुआ है, ये क्या यार, इतना गुस्से में क्यों है, बड़े काफी खतरनाक पंछी है, गुस्सा दिला दिया तुमने इसको। ये देखो आप तो भी आप पकड़ सकते हैं, ये देखिए कितने शानदार तोते हैं, रंग बिरंगे। काट रहा है, देखो काट रहा है, क्या कर रहा है ये, उसको प्लास्टिक पसंद है। ओए हेलो नराज, फोटो खींचिए। हाँ बड़ा, अरे इसको पकड़ सकते हैं हम लोग ना, अरे यहाँ पकड़ो पकड़ो राज, फोटो खींच। हेलो हेलो, मकाओ येलो ब्लू हेडेड मकाओ, कुछ बोलेगा काफी बड़ा भाई, बोले नहीं वो काट है सीधा आएगा, उसको हाथ में बिठाओ किसी के मत खा चल रहे। हाँ ये कहे कुछ नहीं, पड़ल पड़ल उनके साथ पीछे पड़ो, वो कह रहे मना करेंगे, यहाँ से धूम कराओ या वो काट खा तुम। ये देखो बिठा दी भाई, हो रही यार तुम्हारे पर भी बैठ गया। हेलो हेलो, ये पकड़ो कैमरा, पकड़ो कैमरा, डोंट टच दिस बर्ड्स, पहले लिखा है मोटे मोटे अक्षरों में बाहर, क्या ढूंढ रही है। चलो चलो चलो, क्या चाहिए इनको, पेट भर गया फिर भी इनको चाहिए कुछ। ये पूरा पक्षी बिहार का एरिया रहेगा, ये आप देख सकते हैं पूरा जंगल बनाया हुआ है पक्षियों के लिए। वाओ बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देख सकते हैं आप मकाओ, ये oh,
हेलो सारा नाम बीच का सारा नाम है सारा है वो मेघा मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी ये बोलता भी है इंसानों की तरह इसी इसी में पक्षी विहार के पक्षी विहार नहीं कहेंगे माइक में बोलता है ये करना बैठ मेरे पास ही है ना ये देखो कोई पार रहा मेरा जूता उठाओ उठाओ अपने अपने पैर उठाओ अपने पैर उठाओ मेरा ये कट कर गया आपको पक्षी विहार पूरा देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर ये देखो किस तरह से बनाया गया है अब हम लोग देखने जा रहे हैं कसोवर पक्षी और इसके बारे में सारी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है वो सामने आप देख सकते हैं इनके सर के ऊपर कुछ ग्राउंड टाइप बना हुआ है देखो इमू पक्षी है और ये शुतुरमुर्ग के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़े पक्षी है हेलो इमू है एक नीचे है ये तो सुस्त पड़ा हुआ है अच्छा सुकड़ा सा खा जाएगा तुम्हें हेलो भाई डायनासोर लग रहा है डायनासोर वो पीछे वाला डायनासोर लग रहा है इमू पक्षी के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं तो गाइज यहाँ पे फनी मिरर करके भी एक एरिया बनाया गया है और इसके अंदर का टिकट नहीं लग रहा है कोई तो चलिए जाके आप लोगों को दिखाते हैं फनी मिरर ये फनी मिरर रहेगा हाँ छोटा देखा बहुत सारे ऐसे ही फनी मिरर बनाया हुआ है इसमें उल्टा कर दिया इसमें देखो मेरे को उल्टा कर दिया इसमें पतला कर दिया ये नॉर्मल मिरर है ये देखो क्या बना दिया मेरे को इसमें भी मेरे को छोटा बना दिया तो गाइस अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ यहाँ का शुतुरमुर्ग शुतुरमुर्ग ये देख सकते हैं शुतुरमुर्ग अंडों के साथ अपने कितने सारे अंडे थे वो देखो एक शुतुरमुर्ग आ रहा है छोटा वो लग रहा है मंकी लग रहा है बंदर हाँ छोटा बंदर लग रहा है प्यारा ऐसा कभी नहीं देखा मैंने बंदर हाँ मैंने भी पहली बार देखो देखा। किस तरह के कितने सारे कलर है इसके हेलो एक ही बंदर स्क्वायरल मंकी इस तरह के अंदर बैठने की भी जगह जगह व्यवस्था बनाया हुआ है पंछी आपको बर्ड पार्क के अंदर भी दिखेंगे बर्ड एवियरी के अंदर इधर भी ऐसे अलग से सेपरेट पिंजरे में आपको बंद दिखेंगे ये है लव बर्ड और आप देख सकते हैं ऊपर ये है लव बर्ड स्नैक हाउस तो इसका टिकट 5 रुपये का रहेगा प्रति व्यक्ति और 2 साल से ऊपर के बच्चों का फुल टिकट लगेगा वैस ये स्नैक हाउस के अंदर जाने के लिए ये एंट्री रहेगा ये कुछ स्नैक हाउस के अंदर का रहेगा बाकी यहाँ पे आप इसके बारे में सारी जानकारी दिया हुआ है आप पढ़ सकते हैं आराम से ये देख सकते हैं ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है
किंग कोबरा। ओहो बहुत लंबा सांप है, एक ही सांप है या दो सांप है, हिल भी नहीं रहा है। अब हिलने लगा है, देखो धीरे धीरे। वो इसका शरीर देखो कितना भारी शरीर है। अगला जो सांप है वो है बर्मिश पाइथन, और ये देखो कितना बड़ा है, ये इसके अंदर घास के अंदर छुप के बैठा हुआ है। सांप है वो है कॉमन सैंड बोआ, और वो देखो ये पेड़ के पीछे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा, ये कैसे चल रहा है, इसका तो मुंह ही नहीं इस तरफ चल रहा, किस तरफ मुंह है इसका पता नहीं। ये दो मुखी सांप बोलते हैं इसको, दो मुखी सांप, दोनों तरफ मुंह है, दोनों तरफ मुंह है, उधर भी मुंह है। हाँ ये देखो देखो वो उधर भी है, उधर कलर है इसके शरीर पे ना। हाँ एक सामने और एक इस तरफ और एक सांप वो अंदर है। सैंड बोआ, ये रेड सैंड बोआ आप देख सकते हैं, और बहुत सारे हैं, वो देखो कितने सारे हैं। असल वाइपर, और वो देख सकते हैं कई सारे हैं, एक दो ये आप देख सकते हैं कितने सारे हैं। वो है कॉमन इंडियन कोबरा, और ये ऊपर बैठा हुआ, ये देख सकते हैं उसको पता ही नहीं चलता लकड़ी है या मेरे। ये देखो अंदर एक चल रहा है, वो देख सकते हैं बैंडेड क्रेट, और इसके भी बहुत सारे सब आप अंदर देख सकते हैं। एक तो ये अंदर छिपा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, एक तो ये अंदर है, और इसके अलावा वो देखो एक झाड़ी के अंदर भी बैठा हुआ है, ये झाड़ी के अंदर बैठा हुआ है देखिए, ये इंडियन ग्रेट है, ये सामने देख सकते हैं आप, वो अंदर लकड़ी के नीचे है। ये चेकर्ड किलबर्ड है, डेंडू चेकर्ड किलबर्ड, ये देखो पानी के अंदर है सारे के सारे, ये बहुत सारे पानी के अंदर हैं, बहुत सारे हैं। अगला है बैंडेड रेसर, ये सामने ऊपर बैठा हुआ है, ये देखो बैंडेड रेसर ये ऊपर बैठा हुआ है, ये देख ये देख फूटी के ऊपर। ये रेड स्नैक धामाक भी बोलते हैं, और इसे कई बहुत सारे अंदर देखो, ये देखो कितने सारे हैं, सारे एक जगह बैठे हुए हैं, ये देख। बहुत सारी ये देखो ग्रीन वाइन स्नैक, बहुत सारे स्नैक हैं, आप आके यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अब आगे हैं गिद्ध वाले एरिया में, यहाँ पे बहुत सारे गिद्ध आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कितने सारे गिद्ध हैं। ये है ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल, धनेश भी बोलते हैं इसको, ये देख कितना बड़ा पक्षी है, घड़ियाल। तो ये घड़ियाल देख सकते हैं आप, कितने सारे घड़ियाल एक जगह पे। अरे असली तो एक ही है, ये देखो पानी के अंदर चल रहा है कैसे, इनके मुंह देखो कैसे लंबे लंबे मुंह, घड़ियाल। ये घड़ियाल आप देख सकते हैं, बहुत सारे घड़ियाल एक ही जगह पे, ये दो है वो सामने आप देख सकते हैं। ये सफ़ेद मोर आप देख सकते हैं, सफ़ेद मोर, और सफेद मोर भी, ये वाइट पीकॉक, ये बहुत सारे एक पर मोर ने पंख खोले आपको यहाँ आके, ये बहुत बढ़िया है, दिल्ली से बहुत अच्छा जू लग रहा है मुझे। आपने स्नैक वाला देखा, एक में गए थे देखने, एक तो ऐसा लग रहा है कि दुबई का जू जैसा है, सांप बड़े जबरदस्त अंदर पानी। अब हम देखेंगे अब चीतल, और चीतल के बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये अंदर आप देखो, और चीतल के साथ मोर भी बैठा हुआ है, देखो अंदर मोर भी आपको दिख जाएगा, मोर भी है चीतल के साथ है ना। हाँ ये देख सकते हैं कितने सारे चीतल हैं, मच्छ
ये देख सकते हैं कितने बड़े बड़े मगरमच्छ, 1, 2, 3। ये तो धूप सेक रहा है। और ये सामने ये मगरमच्छ अलग होता है, ये मगरमच्छ अलग है। राजहंस ब्लैक और व्हाइट ट्वेन भी दिख जाएगी, ये आप देख सकते हैं व्हाइट ब्लैक ट्वेन। अगर आप दिल्ली जू के अंदर जाते हैं ना, आप सबसे पहले ब्लैक ट्वेन देखते हैं, वो बैठी पीछे ब्लैक ट्वेन है। ये व्हाइट ट्वेन भी है इसी के अंदर, ये भी मैंने ब्लैक दिखाया, ये देखो व्हाइट कितनी लंबी जिराफ जैसी है ना। हाँ ये व्हाइट भी है ब्लैक भी है। और शानदार फाउंटेन भी चलाया हुआ है इनके लिए, वो दरियाई घोड़ा। ये बहुत दूर दूर है यार, ये अभी आएगा बाहर निकलेगा तो आपको गर्मी लगेगी। ये आप हिप्पो भी देख सकते हैं, लेकिन दोनों ये हिप्पो सो रहा है अंदर, पानी के अंदर है। जो खुलता ना वो मोटर मैन को जो क्रश करता बड़ा जबरदस्त होता, ये सो रहा है इस वक्त अंदर। कैसे रोजी वाइट पेलिकन भी बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ को खा जाते हैं। ये देखो कितने सारे हैं, इसको साइज कितना बड़ा, देख कैसे नहा रहे हैं। पड़ 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 पड़। ये देखिए ये पास आया और उधर ये जंग चढ़ गया, इन दोनों में जंग चढ़ गया। एक लड़की मेरा है, लकड़ी को लेकर मेरा है, ये तेरा है, अल्टीमेटली ये मेरा है एंड आई वॉन्ट। मैं भी कहती ये है हिरन, काफ़ी पास आ गए हैं ये ब्लैक बक। ये शाही नाम का एक जानवर भी आप अंदर देख पाएंगे, इसके पूरे शरीर में कांटे होते हैं, वो आप देख सकते हैं कितने सारे हैं, 3-4 बैठे हुए हैं शाही। तो गैस ये रिसस बंदर भी इसके अंदर आप देख पाएंगे, ये देखो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है रिसस बंदर। और इसकी खेलने कूदने के लिए भी पूरा एकदम एडवेंचर पार्क बनाया गया अंदर, ये देखो पूरा एडवेंचर पार्क है। तो ये नीलगाय, ये नीलगाय देख सकते हैं, बहुत सारे नीलगाय एक ही जगह पे। ये इसके साथ में हिरन भी आप देख पाएंगे इनके, ये देखो कितने सारे हैं एक ही जगह पे। चिंकारा, इसको चिंकारा बोलते हैं, चिंकारा। ये आप देख सकते हैं काकड़, हिरन जैसा ही दिखने में लगता है। इस जू के अंदर आप एडवेंचर पार्क भी देख सकते हैं, बच्चों के साथ अगर आते हैं तो बच्चे यहाँ पे खेल कूद भी सकते हैं, ये झूला भी झूल सकते हैं। ये देखो, ये देखो कितने सारे एडवेंचर के लिए, बच्चों के लिए बहुत सारे एक्टिविटी यहाँ पर बनाया हुआ है। तो कई सारे टायर क्लाइंबिंग वगैरह ये सारे बच्चे कर सकते हैं, सिटिंग के लिए भी अच्छा है। ये कुर्सी वर्सी बीच बीच में लगाया हुआ है। जू के अंदर से एक नहर भी गया हुआ है, ये देखो कितना खूबसूरत है, जंगल नहर, मतलब ये कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो गाइस ये सामने आप देख सकते हैं टाइगर, दोनों बहुत दूर है, ये हल्का फुल्का दिख रहा हो। ये एक बैठा हुआ है, ये देखिए कैसे टाइगर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं टाइगर। वे टाइगर इज कैप्चर्ड। और कौन जीतेगा WWE एंड रंडी ऑर्टन विंस द फाइट। फिर से ये देखिए ओए मार दिया। एक स्लैप कौन मारेगा, नीचे वाला ऊपर वाला। अरे 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 मस्ती कर रहे हैं। चले फिर कभी मिलेंगे उधर। वो देखिए वाइट टाइगर भी पीछे, और इस तरह काफी दूर है यहाँ पे टाइगर, मैंने देखा वाइट टाइगर। ये अब वाइट टाइगर टाइगर देख सकते हैं, काफी दूर है टाइगर। तो गाइज यहाँ पे आप ब्लैक टाइगर और वाइट टाइगर दोनों देख पाएंगे, ये देखो कितने पास में बैठे हैं टाइगर। ये चार इधर दिख रहे हैं और एक देखो एक इधर चल रहा है।
तो इस वाली जगह का नाम है टाइगर फाउंटेन। ये टाइगर फाउंटेन है। तो गाइज यहाँ पे आप एशियाई लायन शेर भी देख पाएंगे, और वो सामने देखो चल रहा है। शेर नहीं है, शेर नहीं, ये शेर नहीं है। शेर देख सकते हैं, ये शेर है, शेरनी के साथ बैठा हुआ है। तो गाइस जू के अंदर इस तरह का एक मार्केट भी बनाया गया है, यहाँ से काफी कुछ आप खरीद ब खा सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये फूड एरिया बनाया गया है, फूड जोन रिद्धि सिद्धि फूड जोन ये बनाया गया है। तो यहाँ पे काफी कुछ आप खा पाएंगे, और काफ़ी कुछ खरीदने के लिए भी इस तरह के बड़े बड़े शॉप लगाए हैं। ये पानी पूरी 20 रुपए का, दही पूरी 30 रुपए का, और ये सारा का सारा जू के एरिया के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा रहेगा लेपर्ड, एक लेटा हुआ है, एक बैठा हुआ है। ये देखिए, ये बैठा लेपर्ड, आप यहाँ पे आप एशियन एलिफेंट भी देख पाएंगे। हाथी मेरा साथी, देखिए क्या कर रहा है, कर क्या रहा है ये। तो गाइस यहाँ पे आप स्लोथ बियर भी देख पाएंगे। वाओ, ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर एक फाउंटेन एरिया बनाया गया है। ये फाउंटेन ऐसा है कि पानी नहीं गिर रहा उन पर, रेन डांस टाइप का पानी गिर नहीं रहा है, इसको निकलना तो कोई। ये इंडियन स्टार टर्टल्स आप देख सकते हैं, पहाड़ी कछुआ, पहाड़ी कछुआ, ये कितने सारे देख सकते हैं, पहाड़ी कछुआ, कितने सारे पहाड़ी कछुआ है, पहाड़ी कितने सारे। यहाँ पे इंडियन स्टार टोटो टायर भी दिख जाएगा, इस तरफ भी है। ये देख सकते हैं, वो देखिए वो चल रहा है, कितने सारे टोटो टायर। फोटोग्राफी के लिए भी पॉइंट्स बनाए गए हैं, फ्लाई के साथ भी फोटो खिंचवा सकते हैं। मच्छी यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको अलग अलग करके रखा है, मगरमच्छ एक ही है यहाँ पे, नकली लग रहा है मगरमच्छ, मगरमच्छ लगते नकली है। और इसके साथ ये देखिए टोटो टायर भी बैठा हुआ है, इधर भी बैठे हुए हैं ये। ये देखिए ऐसा लग रहा है पत्थर है, बट ये टर्टल्स है, टर्टल्स है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये टर्टल दो तीन एक ही जगह पे बैठा हुआ है। छोटे छोटे टर्टल्स भी हैं, ये देखिए छोटा छोटा टर्टल, वो घड़ियाल भी है, वो देखो कितना छोटा घड़ियाल है, ये देखो छोटा घड़ियाल भी, हाँ छिपकली जितना, छिपकली जितना बच्चा होगा, घड़ियाल का बच्चा होगा। अरे बच्चे हैं यहाँ, ये 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 देखो का थोड़ा बच्चा बड़ा हो गया, वो देखो बीच में, ये तो ये सारे बच्चे हैं, बच्चे, हाँ सारे बच्चे हैं, ये देखो। अच्छा और भी कहाँ है, कितने सारे हैं वो देखो ना, उसके अंदर घड़ियाल ही घड़ियाल है, बहुत सारे हैं। और एक ये भी है, ये देखिए हमारे नीचे बिल्कुल घड़ियाल ही है, ये देख सकते हैं कितने सारे घड़ियाल, कितने सारे भाई साहब। आप यहाँ पे फॉक्स भी देख पाएंगे, ये देखो फॉक्स है, ये दो दो फॉक्स बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं दो फॉक्स बैठा हुआ है। ये देखिए कैसे फॉक्स बैठी हुई, इंडियन डेजर्ट फॉक्स है ये, कोने पे देख सकते हैं आप, पीछे तो देखो, हेलो, ये देखा, ये देखा, 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 देखो देखो खतरनाक, खतरनाक ईगल है, उल्लू है, उल्लू ईगल आउल है, ईगल आउल है, उल्लू ईगल आउल, और बहुत सारे हैं, बहुत सारे देखो कितने सारे। ये तीन बैठे हैं, चार, और इधर एक अलग बैठा हुआ है पांचवा, इन चारों के साथ इसने लड़ाई कर ली तो, और अलग थलग बैठा हुआ है। ओ इधर देखेगा, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, देखा देख कैसे देखा इसने भी। तो गैस जू के अंदर इस तरह का एक टोप भी आप देख पाएंगे, इसके साथ भी आप सेल्फी वगैरह ले सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये असली टोप है, पुराने टाइम का, ये देख सकते हैं, तो उसके साथ आप फोटोग्राफी कर सकते हैं।